कटिहार बरारी के दक्षिणी भंडारतल पंचायत के उचला में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार राधा कुमारी के पिता रामजी शाह को गरीबों को अनुदानित दर पर दी जाने वाली किरोसिन तेल का कालाबाजारी करते हुए ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर क्या था, उसी वक्त बरारी पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात्रि करीब 8 बजे राशन दुकानदार राधा कुमारी के पिता रामजी शाह गांव के ही मुस्लिम टोला निवासी मिलर मोहम्मद हबीब से करीब 40 से 50 लीटर किरोसिन तेल का कालाबाजारी कर रहा था। तभी ग्रामीणों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। इस दौरान जहां कालाबाजारी का तेल क्रय करते मोहम्मद हबीब फरार होने में सफल रहे, वहीं रामजी शाह को कालाबाजारी के तेल के साथ ग्रामीणों ने पकड़कर बरारी पुलिस के हवाले कर दिया। ये जो मैडम तेल जो पकड़ाया है तो किसके यहाँ से लेके जा रहा था? रामजी शाह के यहाँ से लेके जा रहा था। राधा कुमारी इसकी डीलर है, उसके पिता का नाम रामजी शाह है, वही चलाते हैं डीलर। उन्हीं के यहाँ से 3-4 महीना से तेल उठाया गया उन लोग के द्वारा, लेकिन वितरित नहीं किया गया, जो कि आज वो लोग ब्लैक करते हुए पकड़े गए हैं ग्रामीण के द्वारा। तो आगे इस पे क्या कार्रवाई आप लोग मांग किए हुए हैं? कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए, इनका डीलरपन रद्द कर दिया जाए, क्योंकि ये अनाज में भी बहुत काटते हैं, पर एक व्यक्ति के हिसाब से 1 केजी काट लेते हैं। 10-15 दिन पहले ये भी चर्चा, जिसके घर में 15 व्यक्ति है तो उसके मतलब 15 केजी वो काट लिए, तो ये तो गलत है ना। आपका परिचय? मेरा नाम हरप्रीत कौर है, मैं वार्ड सदस्य हूँ, वार्ड नंबर 5 की पंचायत दक्षिण भंडारतल। बताइए, अभी तेल जो लेके आप जा रहे थे किरासन तेल, किसके यहाँ से लेके जा रहे थे? रामजी शाह। रामजी शाह जी डीलर है जी, डीलर। आप तो भैया बोले नहीं, तो कब से तेल ले जा रहे हैं आप, कब से उधर रहा है? उधर 1 महीना में 2 दिन दिया था, 1 महीना में 2 दिन। 2 महीना से काम कर रहे हैं। कितना कितना देता है तेल, एक बार में कितना तेल देता है? 40-50 लीटर। 40-50 लीटर देता है एक बार में। तो डीलर का नाम क्या है? वो तो उसका पति हुआ, बाप हुआ। और बेटी का नाम क्या है जो डीलर का जो नाम से है? तो मालूम नहीं, आप लोग का मुंह सुन रहे, राधा कुमारी। राधा कुमारी है। क्या नाम हुआ आपका? हबीब। तो आपको डर नहीं लगा कि हम ये सब तेल खरीदते हैं कहीं पकड़ा जाएंगे तो हमको फिर पुलिस ले जाएगा? हमको बोला के दिया, बोला तो हम लेने आए, नहीं तो नहीं। कैसे देता है लीटर तेल वो आपको? कैसे लीटर? 60-65 60-65। अच्छा, बेचते कैसे हैं? बेचते नहीं, मिल चलाते हैं। मिल चलाते हैं, मिल चलाते। बेचते नहीं ना है जी, नहीं। क्या नाम हुआ? हबीब। घर कहाँ है? उचला। उचला कहाँ पे? मुस्लिम टोला। उचला मुस्लिम टोला। ये नंबर वार्ड? वार्ड 3 नंबर में। पिताजी का क्या नाम हुआ? अब्दुल मन्ना। कौन डीलर है यहाँ पे? पिता रामजी साहब। डीलर का नाम है राधिका कुमारी। कब से तेल नहीं दे रहा है अपने पंचायत में? अपने पंचायत में आज 3-4 महीने से तेल नहीं दे रहा है। 4 महीने से, 3-4 महीने से तेल नहीं देता है। तेल क्या करता है वो? वो तेल जब भी बांटने जाते हैं पूछने जाते हैं कि हमको कब तेल मिलेगा, अभी अभी नहीं किया है। अच्छा, अभी अभी नहीं किया है। तो आज आप लोग जो तेल जो सप्लाई करता है उसको पकड़ लिए हैं? जी हाँ। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार मंडल। तो क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से कि जो ये गलत काम कर रहा है इसके सर, बारे में? हम ये कहना चाहते हैं जो वो सप्लाई दे रहा है ले जाने वाला का, तो वो दे रहा है तभी ले जा रहा है, इनको आज पकड़े हैं तो हम लोग अपने जो है सब आदमी को बोल के, जैसे सरपंच हुआ, वार्ड सदस्य हुआ, सबको बोल के हम रखे कि आदमी पकड़ाए हैं मौजूद, उसके बारे में आप। क्या नाम हुआ? राजकुमार मंडल सर। घर कहाँ हुआ? उचला, सरदार टोला उचला। पंचायत? भंडारतल, दक्षिणी भंडारतल। बरारी थाना अंतर्गत दक्षिणी भंडारतल पंचायत में के उचला गाँव के सरदार नगर टोला में मोहम्मद हबीब को ग्रामीणों द्वारा 30 लीटर तेल के साथ पकड़ा गया था। हबीब द्वारा बताया गया कि वह
राधा कुमारी डीलर जो है उसके पास से आई है और संबंध में 30 लीटर की जब्त किया गया। मोहम्मद हबीब मौका देकर भाग गया और ग्रामीणों द्वारा आक्रोश बस राधा कुमारी डीलर के पिता रामजी शाह को मारपीट किया गया। इस संबंध में वहाँ के जो आपूर्ति विभाग के पदाधिकारी उनके द्वारा जांच किया जा रहा है, जांच कर जो उचित होगा उनके द्वारा लिखित आवेदन के पश्चात थाना में प्राथमिकी दर्ज की जाए।